भाई साहब जय भीम जय भीम। बहुजन समाज पार्टी से आए हैं, चुनाव चिन्ह आते हैं, आप अपना किक की वोट दिखाता जी। नमस्कार, स्वागत है आपका बहुजन इंडिया न्यूज 24 चैनल में, मैं विजेंद्र वर्मन। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। खास खबर मैनपुरी उत्तर प्रदेश से। जी हां, जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, हर पार्टी के प्रत्याशी अपने अपने वोटरों को लुभाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे ही बहुजन समाज पार्टी करहल के प्रत्याशी कुलदीप नारायण और दीपक पेंटर ने बसपा एवं भीम आर्मी के पदाधिकारियों के साथ डोर टू डोर वोट मांगने का कार्य किया। क्या नाम है अपना? कुलदीप नारायण और दीपक पेंटर। दीपक पेंटर जी, आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के विचार रहे हैं? करहल विधानसभा में तमाम ऐसे मुद्दे हैं और सबसे बड़ी बात जो है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है, सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी, अपराधीकरण, भूमाफियागिरी, जमीनों कब्जे, हत्याएं, बलात्कार इनकी सरकार में होता है। और जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती है तो आप लोगों ने देखा कि माननीय बहन जी की जब सरकार होती है तो पूरे प्रदेश में कानून का राज होता है और सर्व समाज के लोगों में खुशहाली होती है। और आज इस प्रदेश की जनता ये अपना पूरा मन बना चुकी है कि चाहे मौजूदा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और इससे पहले जो समाजवादी पार्टी की सरकार चली है, इन दोनों ही सरकारों में जो गुंडागर्दी, हत्या, अपहरण, बलात्कार की घटनाएं होती हैं और पीड़ित की थाने या तहसीलों में कोई सुनवाई नहीं होती है। आप अभी हाल ही का ताजा मामला है, बहुत बढ़िया बात, एक दलित बेटी जो रेप के बाद हत्या कर दी गई तो, और इतना ही नहीं, हत्या के बाद हाथरस की दलित बेटी के साथ रेप के बाद हत्या कर दी गई और रात के 2 बजे जिला प्रशासन ने उसकी डेड बॉडी को जलवाया। पीड़ित परिवार को पास भी नहीं जाने दिया। लेकिन साथियों, जब अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती तो किसी अधिकारी की ये औकात नहीं होती कि इतनी बड़ी जो घटना हुई है उसमें पीड़ित की बॉडी को रात के 2 बजे जलाया।